राजधानी दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी हमेशा से अपने प्रचार पर खर्च को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर रहती है। एक बार फिर दिल्ली सरकार योजना से ज्यादा उसके प्रचार पर खर्च करने को लेकर सवालों के घेरे में है, जिसे लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल साल 2015 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना की शुरुआत की थी, जिसका मकसद दिल्ली से 10वीं या 12वीं पास करने वाले छात्रों को कॉलेज में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा उपलब्ध कराना था। इस योजना को लेकर न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक आरटीआई लगाई, जिसमें ये जानकारी दी गई कि साल 2020-21 में दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ पाने के लिए कुल 89 छात्रों ने अप्लाई किया, जिसमें से अब तक सिर्फ 2 छात्रों के लोन सैंक्शन हुए हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लोन सैंक्शन हुआ पर मिला नहीं, यही आरटीआई के जवाब में भी लिखा है। जबकि इस योजना के प्रचार के लिए केजरीवाल सरकार ने जनता का 19 करोड़ रुपया विज्ञापन में फूंक दिया। इसी आरटीआई को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार बीजेपी के निशाने पर है। केजरीवाल सरकार पर हमला बोलते हुए दिल्ली बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने आरटीआई को ट्वीट करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल का गजब एजुकेशन मॉडल, बच्चों के आगे पढ़ने के नाम पर लोन, 2021-22 टोटल 2 बच्चों के लोन सैंक्शन हुए, पैसा दिया 0, विज्ञापन पर खर्च 19.27 करोड़, है ना मित्रों, गजब मॉडल, फिर कहते हैं हम जनता का भला कर रहे हैं। तो वहीं बीते कई दिनों से फ्रीबीज के मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। इसी बीच आरटीआई के जरिए 19 करोड़ रुपए विज्ञापन के खुलासे को बीजेपी नेशनल लेवल पर भी आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो कुल मिलाकर फ्रीबीज के मुद्दे पर जनता का पैसा जनहित पर खर्च करने का ज्ञान बांट रही आम आदमी पार्टी आरटीआई से हुए खुलासे के बाद सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।